हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर कैसे काम करता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के एडवांटेज कंप्यूटर के डिसएडवांटेज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या होता है आउटपुट डिवाइस क्या होता है सी से हमारा आशय क्या है सब कुछ एक ही वीडियो में तो वीडियो को कर दीजिए लाइक अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर ये बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कई एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और थ्योरी एग्जाम में यदि आपको आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर क्या है या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कैसे काम करता है उसकी प्रोसेस को समझाइए तो इस वीडियो को आप देखकर अच्छे से लिख भी सकते हैं शुरू करते हैं आज के वीडियो को होता क्या है हम सभी ने कंप्यूटर देखा है लेकिन क्या हम इसे परिभाषित कर सकते हैं है? को तो तो हमें सब जगह कंप्यूटर की एक परिभाषा देखने को मिलती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनपुट इट एंड गिव द आउटपुट जो कि बिल्कुल सही है अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन को क्यों यहाँ पे कंप्यूटर की एक सही परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब ये होता है कि उसमें जो फिज़िकल कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर बनाया गया है वो हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट हैं जो हमने फिजिक्स में पढ़े हैं जो सर्किट पढ़े हैं हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा है हमने कैपेसिटर पढ़ा है, है हमने रजिस्टर पढ़ा है है ना तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उसमें यूज़ हुआ है प्लस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें चाहिए होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला रूप है तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन है ऐसा हमारे पास एक डिवाइस है जो कि दिए गए डेटा और इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को के ऊपर काम करता है और उसे प्रोसेस करके हमें डिजाइड आउटपुट देता है जैसे कि हमें काम कराना है कि हमें टू नंबर का एडिशन करवाना है कंप्यूटर से तो हमें उसे टू नंबर देना पड़ेगा प्लस ऑपरेशन देना पड़ेगा और इसका इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तब वो टू नंबर को ऐड करके देगा ठीक है अभी हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को भी समझेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक्स इनपुट इनपुट में क्या क्या लेगा वो डेटा प्लस ऑपरेशन जो भी करना है उसके इंस्ट्रक्शंस को लेगा जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाएंगी प्रोसेस करेगा अब उसके पास प्रोसेस करने के लिए पूरा ब्लॉक डायग्राम है सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे कि डेटा स्टोर होगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट रहेगी कंट्रोल यूनिट रहेगी ये तीनों मिलकर काम करेंगे उस पर क्या करना है प्लस करना है माइनस करना है लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है पूरी प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा जो हम उससे चाहते थे वो हमें आउटपुट मिलेगा तो हम

बेबेज कई सारे एम में आता है तो इस नाम को आप याद रखिए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर काम कैसे करता है मतलब कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ठीक है तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा आपके पास रहेगी इनपुट डिवाइस आपके पास रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन मेन कंपोनेंट हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी ये मेन मेमोरी है राइट और मेमोरी के बाहर मतलब हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती हैं बेसिकली जिस पे कंप्यूटर काम करता है वो मेन मेमोरी रहती है और जहाँ पे परमानेंट डेटा स्टोर किया जाता है वो ऑक्सिलियरी या सहायक मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं वो रहती है ठीक है और रहेगा आउटपुट डिवाइस हमने देखा अभी समझा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो आई साइकिल इनपुट प्रोसेस आउटपुट आई साइकिल कई बार इसे कहा जाता है कि आई साइकिल पे वर्क करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो ये इनपुट डिवाइस हो गया प्रोसेसिंग के लिए ये हो गया आपके पास सी और ये हो गया आपके पास आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल या हम क्या समझते हैं इनपुट डिवाइस से जिससे कि हम कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं जैसे हमें टू प्लस थ्री करवाना है तो टू प्लस और थ्री किससे हम भेजेंगे कीबोर्ड से भेजेंगे ठीक है या हमें कोई इंस्ट्रक्ट करना है हमें कुछ फ़ाइल ओपन करना है तो हम किससे ओपन करेंगे किससे क्लिक करके करेंगे माउस से करेंगे ठीक है तो ये सब जिससे हम इनपुट दे रहे हैं वो जो डिवाइज होंगी जैसे कि हो गया कीबोर्ड जैसे कि की हो गया आपका माउस जैसे कि हो गया आपका इस्केनर जिससे आप इमेज वगैरह भेज सकते हैं स्कैन करके ठीक है जैसे कि आप क्या हो गया जॉयस्टिक ठीक है तो ये सब क्या है इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम इनपुट सिग्नल या इनपुट डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं ठीक है तो यू कैन मेंशन हेयर अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ज्यादा ज्यादा आप डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं कीबोर्ड माउस एक्सेट्रा ठीक है नाउ कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है सीपी का फुल फॉर्म है ना तो आपको पता होना चाहिए सेंट ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट सेंटर नहीं है सेंट्रल है है ना ध्यान दीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है सीपीयू इसके अंतर्गत क्या होता है यहीं पे प्रोसेसिंग होगी यहीं पे स्टोरेज होगा यहीं पे सिग्नल जनरेट होंगे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा जिसमें कि हम लॉजिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे वो यूनिट कहलाएगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है एएलयू का फुल फॉर्म क्या है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ठीक है सीयू का फुल फॉर्म क्या है कंट्रोल यूनिट राइट यहां लिख देती हूं सी यू का फुल फॉर्म क्या है कंट्रोल यूनिट ठीक है तो फुल फॉर्म आपने क्लियर कर लिए यहां पे। अब तीनों के काम क्या रहेंगे देखिए आरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो आपकी है नाम से समझ में आ रहा है जो भी आप प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन और इस तरीके के ऑपरेशन सिंबल यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कराना चाहेंगे तो एल यू का काम होगा कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके दे ठीक है अब किस पे देगी वो जो आप डेटा देंगे वो डेटा कहाँ स्टोर होगा मेमोरी मेमोरी किससे बनी होती है हमारे फ्लिप फ्लॉप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फ्लिप फ्लॉप क्या है स्टोरेज जो रजिस्टर होते हैं फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसका यूज करते हुए मेमोरी बनाते हैं ठीक है थीके? कंट्रोल यूनिट जो होता है कंट्रोल यूनिट का काम क्या है आपको नाम से समझ में आ रहा है कंट्रोल करना कंट्रोल करना सारी जो लगी हुई है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी ए एल यू ठीक है ऑक्सिलियरी स्टोरेज जो भी आपने लगाया है अपने कंप्यूटर में उन सबको सिग्नल जनरेट करना कि अब तुम्हारी बारी अब तुम्हारी बारी है फॉर एग्जांपल इसको पूरा हम समझते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम अगर लिखा है आपने ए इक्वल टू बी प्लस सी या आप कहें कि सम इक्वल टू ए प्लस बी इस तरीके से अगर आपने दिया है अपना कंप्यूटर में प्रोग्राम तो ये ए प्लस बी जो आप टाइप करेंगे वो यहाँ से करेंगे यहाँ गया ए प्लस ए और बी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आप आपका ठीक है ये देखेगा कंट्रोल यूनिट प्लस ऑपरेशन है इसको इसने बोला कि भाई आप स्टोर कर लीजिए प्लस ऑपरेशन है इसको सिग्नल जनरेट किया कि आप भाई प्लस कर लीजिए जब ये पूरा स्टोर हो गया ए प्लस भी उसने कर लिया जो भी रिजल्ट आया आपका वो वापस कहाँ चले जाएगा मेमोरी में चले जाएगा और फिर कंट्रोल सिग्नल इसको बोलेगा कि आप भाई जो है आउटपुट अब इसको दिखाइए आउटपुट डिवाइस को भी सिग्नल देगा कि अब आप आउटपुट दिखा सकते हैं तो ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या है सिग्नल जनरेट करना कौन सी डिवाइस जो है पर्टिकुलर कब एक्टिव होगी किसके लिए कब काम जनरेट हो रहा है ठीक है तो कंट्रोल यूनिट पूरी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है मेमोरी जो है वो डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम करती है इनपुट से हम इनपुट लेंगे यहां पे प्रोसेसिंग होगी किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी ये तीनों कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं आपको हमने समझा दिया और उसके बाद हमें आउटपुट यहां पे मॉनिटर पर दिखेगा आउटपुट डिवाइस में क्या आ गया हमारा मॉनिटर प्रिंटर ठीक है एक्सेट्रा प्लॉटर मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर ये सब क्या है आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है राइट right? तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हम वर्क करते हुए कंप्यूटर को यहाँ पे देख सकते हैं राइट right? तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं हमने कंप्यूटर पे काम किया है आपने देखा होगा किसी को कंप्यूटर पे काम करते हुए तो आपने, किया हुए कि तो आपने, तो आपने नोट किया होगा कि कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है आपने नोट किया होगा कि कंप्यूटर एक ही डेटा को प्रोसेस जब करता है जैसे अपन टू प्लस थ्री दें तो हमेशा वो फाइव ही देगा ठीक है सिक्स और सेवन नहीं देगा कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है सही रिजल्ट देता है ये सब क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा होती है हम उसे बाद में उस डेटा को उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस करके उस पर वर्क कर सकते हैं तो दीज आर कॉल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर ठीक है तो सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है अक्यूरेसी अ कंप्यूटर कैन डू वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस अक्यूरेटली अक्यूरेटली मतलब सटीक सही 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 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करके देता है ठीक है सही उसमें एरर के चांसेस अगर एरर अगर प्रोग्राम क, बनाते समय आपने एरर कर दिया आपने दिमाग नहीं लगाया तो फिर आपका हो सकता है कि आउटपुट जो है वो गलत आए नहीं तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है ठीक है स्पीड कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है इसकी स्पीड को याद रखिए गीगा हट्स और मेगा हट्स में मेजर हम करते हैं कंप्यूटर की स्पीड को ये आपसे पूछे किसमें मेजर की जाती है तो आप याद रखिए गीगा हट्स मेगा हट्स में हम स्पीड इसकी मेजर कर सकते हैं ठीक है सीपीयू रिलायबिलिटी कंप्यूटर बहुत रिलायबल है रिलायबल है मतलब जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं ठीक है भरोसा कब करेंगे जब हमें वो एक ही प्रकार के जैसे हम किसी पे भरोसा कब करते हैं जब हमने देखा कि वो हमारे कहने को उसी तरीके से हर बार काम कर रहा है सही रिजल्ट दे रहा है जैसा हमने पहले किया था कंसिस्टेंट है जिसको हम कहेंगे तो हम लिख सकते हैं अ कंप्यूटर प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट्स ऑफ डेटा राइट मेमोरी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है हम इसमें डेटा इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा डेटा बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं Computer की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो जनरली बाइट्स किलो बाइट मेगा टेराबाइट गीगा बाइट टेरा बाइट इत्यादि में हम मेजर इसको कर सकते हैं ये मेमोरी की यूनिट्स कहलाती हैं, राइट हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है ऑटोमेशन हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ए का यूज करते हुए बहुत सारे काम कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली करा सकते हैं तो वी कैन राइट कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क ऑटोमेटिकली विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट है सिक्स वर्सेटाइल या वर्सेटैलिटी मतलब हम कंप्यूटर से एक से मतलब हमारा कंप्यूटर वर्सेटाइल है वर्सेटाइल है मतलब जैसे हम गाने भी सुन रहे हैं टाइपिंग भी कर रहे हैं एक समय में एक से अधिक काम वो कर सकता है कंप्यूटर कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली डिलिजेंस मतलब कंप्यूटर जो है बिना थके परिश्रमी है लगन से काम कर सकता है कंप्यूटर वर्क्स फॉर सेवरल आवर्स विदाउट रेस्ट ये कभी का भैया आ जाता है एमसीक्यू में कि इसमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर की नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो डिलिजेंस को आप आ, अपने मन में बैठा लीजिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब होता है लगन से काम करने वाला परिश्रमी राइट आती है कंप्यूटर के क्या फायदे और क्या नुकसान है तो एडवांटेज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी थी वो सारे आप एडवांटेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ज्यादा होती है अक्यूरेसी होती है मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वर्सेटाइल होता है ऑटोमेशन होता है रिलायबिलिटी होती है तो ये सब एडवांटेज जो है वो वही है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वही एडवांटेजेस हैं अब डिसएडवांटेज क्या है पता ही है वायरस आ सकता है हमारा डेटा हैक हो सकता है तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है साइबर तो क्राइम हो रहे हैं वो भी एक डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट हमें कंप्यूटर से अगर काम करवाना है तो बहुत सारे कंप्यूटर अपने इंस्टीट्यूट में लाना पड़ेंगे तो कॉस्ट हाई हो जाएगी ट्रेनिंग देना पड़ेगा एम्प्लॉयी को तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं कंप्यूटर के तो में हमने देख लिया कंप्यूटर को परिभाषित कर लिया कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझ लिया कैरेक्टरिस्टिक और डिसएडवांटेज और एडवांटेज सारा कुछ देख लिया है वीडियो को कीजिए लाइक अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर और हाँ अगर आप चाहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर मेमोरी का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग जीनत हसन अकेडमी